हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अगर कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता चेक बाउंस का केस 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत हार जाता है, कोर्ट में उसके खिलाफ अगर फैसला होता है दोस्तों, तो वो क्या करेगा, उसके पास अब क्या रिमेडी है। बहुत लोगों के बीच यह कन्फ्यूज़न है कि आगे की कार्रवाई कैसे होगी। सेक्शन 378 सब क्लॉज 4 कहता है दोस्तों कि कोई कंप्लेंट केस है, प्राइवेट कंप्लेंट केस में अगर व्यक्ति अपने केस को हार जाता है, दूसरी पार्टी जो आरोपी है उसे सजा नहीं होती, वो बरी कर दिया जाता है, तो ऐसे मामलों में उसके पास हाई कोर्ट में अपील करने का रास्ता है। इस अपील को फाइल करने का अधिकार बिल्कुल आजादी भरा नहीं है दोस्तों, इसके लिए एक एप्लीकेशन लगानी होगी, एक परमिशन लेनी होगी हाई कोर्ट से कि मैं अपील फाइल करना चाहता हूं इस मैटर में, दूसरी पार्टी को बाइज्जत बरी कर दिया गया जो गलत है। स्पेशल लीव टू अपील, ये एप्लीकेशन हाई कोर्ट में फाइल करनी होगी 60 दिन के अंदर जब से जजमेंट हुआ है एक्विटल का, छोड़ने का, और उसके बाद अगर हाई कोर्ट ये परमिशन देती है तो आप फिर अपील फाइल कर सकते हो। दोस्तों, जो अपील फाइल करने का टाइम होता है 2 months मोर टाइम आपको मिल जाएंगे। 401 सब क्लॉज 4 सीआरपीसी के सेक्शन के तहत ये बातें कही गई हैं दोस्तों कि जहां अपील का प्रावधान है, अपील संभव है, वहां रिवीजन नहीं फाइल किया जा सकता। इसका मतलब है कि अगर अपील का रास्ता है सामने तो आप रिवीजन के रास्ते पर नहीं जा सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कंप्लेनेंट को हर डेट पर 138 के केस में कोर्ट में हाजिर होना होगा, क्या कार्रवाई में उसे शामिल होना होगा। कंप्लेनेंट को 138 के केस में कोर्ट में हाजिर होना है, सभी डेट्स पे आने की जरूरत है। अगर कोर्ट ने उसको कोई माफी दे दी है हाजिर होने से, तभी वो नहीं आएगा, या फिर उनके एडवोकेट खड़े होते हैं तो कभी कभी कोर्ट एडवोकेट को ये कहती है कि आप कंप्लेनेंट की एग्जम्पशन फाइल कर दो कि आज वो क्यों नहीं आए। इस तरीके से ये बहुत जरूरी है कि कंप्लेनेंट हाजिर हो। 372 सीआरपीसी में एक बदलाव आया है, 2009 का ये अमेंडमेंट है दोस्तों, जिसके तहत विक्टिम को ये अधिकार दिया गया है कि अगर सामने वाली पार्टी यानी आरोपी को कम सजा होती है या वो बड़ी हो जाता, तो ऐसी स्थिति में विक्टिम अपील फाइल कर सकता है, और ये अपील वही फाइल किया जा सकता है जहां नॉर्मली उसे अगर सजा होती तो वो अपील में जाता। ये एक प्रावधान है दोस्तों, लेकिन 138 के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। यहां प्राइवेट कंप्लेंट है और यहां कंप्लेनेंट विक्टिम नहीं है। कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने बहुत ही क्लियर शब्दों में ये कहा है कि 138 में कंप्लेनेंट विक्टिम नहीं है, वो सिर्फ कंप्लेनेंट है, और विक्टिम को जो अधिकार मिले हैं अपील में जाने का, वो अधिकार कंप्लेनेंट को नहीं है। 138 में अगर आरोपी को सजा हो जाती है तो वो अपील फाइल करेगा सेशन कोर्ट में, उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय में मैजिस्ट्रेट के यहाँ 138 की सुनवाई होती है दोस्तों, और उसके किसी निर्णय के खिलाफ आरोपी सेशन कोर्ट यानी उसी जिला न्यायालय में सेशन जज के पास अपील फाइल करते हैं दोस्तों। ये है एक बात। दूसरी बात, अगर आरोपी छोड़ दिया गया, वो बड़ी हो गया, तो कंप्लेनेंट के पास उसी जिला न्यायालय में सेशन कोर्ट में अपील फाइल करने का रास्ता नहीं है, उसे जाना होगा हाई कोर्ट। ये 378 सब क्लॉज 4 ऑफ सीआरपीसी कहता है। इस तरीके से ये डिफरेंस है दोस्तों अपील में जाने के लिए। दोस्तों, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहें, अच्छी से अच्छी जानकारियों को लेकर मैं हाजिर होता रहूँगा। बाय बाय।